सो मार्केट में निकल चुका है एक और नया फोन जो कि है OnePlus 8। दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस से लड़ रही है, लॉकडाउन में बंद पड़ी और यह OnePlus फोन निकाल रहा है। क्या अलग ही माइंड चला रही है उनकी। अब ऑब्वियस ही बात है, सारा लॉकडाउन पड़ा हुआ है, तो जब लॉन्च इवेंट हुआ होगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं आया होगा। बट मेरे को एक बात समझ नहीं लगी, इस टाइम फोन जहाँ कोई कंपनी फोन नहीं निकाल रही, iPhone SE लॉन्च होना था, उसने भी अपना डेट आगे बढ़ा दी कि नहीं भाई लॉकडाउन है, मत निकालो, प्रॉफिट नहीं होगा। बट ठीक है, उनकी मर्जी। तो आप देख रहे हो टेक प्रति यूट्यूब चैनल और मैं हूँ साहित्य धवन, आपका होस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले OnePlus 8 के कैमरा से। तो कैमरा बहुत अच्छी है, यही कहते हैं सब, बट आगे बढ़ते हैं। तो कैमरा है, इसमें भी आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है जो आजकल लगभग हर फोन में मिल रहा है, iPhone 11 Pro Max। तो उसमें अभी भी 3 कैमरा है, आ जाएगा यार 4 पे भी अपग्रेड करेगा, 5 पे भी करेगा, चिंता मत करो। अब इसमें आपको मिलता है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का, और 2 और कैमरा है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि भाई ये सैमसंग और एप्पल से अच्छी फोटो खींच लेंगे, नहीं, हर बार कैमरा के मेगापिक्सल ही उसका डिक्लेयर नहीं करते कि अच्छी फोटो खींचेगा या बुरी। कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब मार्केट में तो भाई 108 मेगापिक्सल आ चुका है और वो MI Mix Alpha है, उसमें भी 108 मेगापिक्सल है, क्या वो एप्पल और सैमसंग से अच्छे खींच लेगा? नहीं, ठीक है। एप्पल और सैमसंग ये हमेशा टॉप पे रहते हैं अपने कैमरा, अपने डिस्प्ले और अपने प्रोसेसर, इन सब के लिए प्रोसेसर कह लो, ठीक है। तो डिस्प्ले इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया, डिस्प्ले में मैं एग्री करता हूँ, डिस्प्ले भाई मक्खन है इनका, 120Hz का डिस्प्ले है, मतलब फ़ोन पे ऐसे ऊपर नीचे करते रहो सारे दिन, इतना स्मूथ चलेगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अभी तक कैमरा और वीडियो मैंने बताया कि सैमसंग और एप्पल टॉप पर हैं, वीडियो के मामले में उसकी स्टेबलाइजेशन सैमसंग और एप्पल की काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अब OnePlus ये क्लेम कर रहा है कि वो सबसे अच्छी वीडियो कैप्चर करेगा इन दोनों के मुकाबले में। तो अभी तक हमारे पास फ़ोन आया नहीं, आ जाए काश। तो फ़ोन जब आएगा तो रिव्यू कर देंगे, वैसे मुझे नहीं लगता आएगा, छोटे यूट्यूबर हैं, वैसे भी लॉकडाउन है, अभी किसके पास आ रहा है फ़ोन। तो अब बात है थोड़ी सी इसके डिसअपॉइंटमेंट की, कि देखो OnePlus 7 था, 7T, उसमें था पॉपअप कैमरा, ठीक है, ये अच्छी बात थी। इसमें अब तुम्हें बिंदी दे दी, मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम अपग्रेड हुए, वरना फिर क्या लोग कहते हैं यार कुछ अपग्रेड ही नहीं है, फिर पॉपअप कैमरा। लेकिन पॉपअप कैमरा की फील ज़्यादा अच्छी आती है एक छोटी सी बिंदी से, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉपअप कैमरा होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। और फीचर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन जब हम एक फ्लैगशिप फ़ोन लेते हैं तो हमें जब फीचर्स और स्पेक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटा छोटा एलिमेंट जैसे एप्पल में काफ़ी सारी चीज़ें जो एप्पल यूजर्स उन्हें पता होगा, सैमसंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सब की छोटी छोटी चीज़ें इन्हें फ्लैगशिप बनाती हैं। अब मेन बात है इसकी प्राइसिंग की, ये है प्राइसिंग। We got two options for you. The 8 128 GB version is $699. And the 12 256 GB version will be $799. And for the OnePlus 8 Pro we also have two options. The 8 128 GB version will retail for $899. And finally, the top spec, top performance 12 256 GB version will be $999. Pricing में काफी ज्यादा अंतर आ गया है, और पहले मतलब OnePlus 7 जो निकला था और इसके प्राइस में 25,000 तक का डिफरेंस है, मतलब OnePlus ने एक सेकंड नहीं कह सकते जितना भी टाइम लिया, यहाँ से उठा के सीधा यहाँ कर दिया। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, सबको जानना है यार कि OnePlus पहले 20,000 से शुरू हुआ था, अब फ्लैगशिप फोन पर पहुँच गया, ये क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। और अब पता है इस साल OnePlus 8 Pro जो है वो पैसा वसूल नहीं है, मैं सही कह, बिल्कुल नहीं है। अब देखो
अभी तक क्या चल रहा था, पहले मैं बता दूं कि जो वन प्लस है वो उसका प्राइस क्यों बढ़ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस, ये पांच कंपनियां हैं। तो ये किसके अंडर आती है? ये आती है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। या चाहे आप वन प्लस ले लो, रेडमी ले लो, रियलमी ले लो, वीवो ओप्पो ले लो, तो इन सब फोन, इन सारी कंपनीज का कोई भी हम फोन खरीदे तो पैसा किसके पास जाएगा? बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अभी तक क्या था, 10 से 30 हज़ार में आपके पास ऑप्शन है रियलमी, रेडमी। 30 से 40 में आपको कौन सा मिल जाता है? 30 से 40 या 50 तक कह सकते हैं, वीवो और ओप्पो, ठीक है। अब जब फ्लैगशिप फोन्स की बारी आती है, जहाँ पे हमें 70,000 प्लस में जाना होता है, 70,000 टू 1 लाख, 1.5 लाख, इन सब में, तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, कौन से? सैमसंग और एप्पल। तो वन प्लस ने कहा कि देखो छोटे फोन्स भी हमारे पास, मिड रेंज के भी हैं, तो हमें फ्लैगशिप में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पैसा आए उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास मिड फोन्स के भी थे, लो रेंज के भी थे, तो उन्होंने वन प्लस को फ्लैगशिप पे उतार दिया 70,000 टू 1 लाख तक, ठीक है, ताकि वो एप्पल और सैमसंग को टक्कर दे सके। लेकिन वन प्लस इस बार नहीं चलेगा, मेरे को नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग होंगे कि अभी भी ले लेंगे, लेकिन जहाँ पे तुम्हारे पास एप्पल मिल रहा है, सैमसंग मिल रहा है, उस टाइम तो वन प्लस पे क्यों जाओगे? और पता है क्या, वन प्लस ठीक है, अच्छा फ़ोन निकालता है, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स निकालता है, लेकिन एक बात मुझे बहुत बेकार लगी कि उनकी पूरी जो लॉन्च इवेंट था उस पर वो ऑल टाइम एप्पल से कंपेयर करते हैं। भाई क्यों कंपेयर कर रहे हो? हर एक अपनी साइड पे होता है। एप्पल उसके मेन एप्पल लेते हैं सिक्योरिटी और कैमरा के लिए और स्क्रीन के लिए और लोगों के लिए, स्टेटस सिंबल है आजकल वो, अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एप्पल एप्पल है, सैमसंग है, वन प्लस है। अब जैसे रियलमी है, रियलमी और रेडमी दोनों की टक्कर होती है, रेडमी ज़्यादातर जीतता है, दोनों एक ही बीबी के ही हैं, लेकिन रेडमी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऐसे रियलमी रेडमी तो वन प्लस है और एप्पल एप्पल है, तुम क्यों आपस में कंपेयर कर रहे हो फालतू में? ये मेरे को बहुत बेकार है बात लगी। बाकी फ़ोन काफ़ी अच्छे, स्पेक्स अच्छे हैं और 12 GB की रैम भी मिल जाती है, अब काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पबजी खेलने में तो और भी मज़ा आएगा। और वैसे भी वन प्लस ही पबजी वगैरह को सपोर्ट करता है ज़्यादा, इसलिए वन प्लस में पबजी इतनी अच्छे से नहीं चलेगी तो और किस फोन में चलेगी। तो बस यही है वन प्लस 8 Pro। हाँ, वैसे एक बात है, अभी भी आपको वन प्लस में 30 W का चार्जर ही मिलता है वन प्लस 8 में। जबकि उनके पास इससे भी ऊपर के चार्जर हैं 33 W, 35 W। क्यों भाई? अब ये मैं बता रहा हूँ क्या होगा। वन प्लस 8 निकला, फिर निकलेगा वन प्लस 8T, फिर वन प्लस 8T मैक्लारेन एडिशन, फिर लैम्बोर्गिनी एडिशन, फरारी एडिशन, इंडियन एडिशन, साउथ अफ्रीका एडिशन, सारे एडिशन निकलेंगे और वो उनमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो बस यही था वन प्लस 8, 8T, 8 Pro, 8 5 जो भी है। बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।